नौकरी भिलाई में कुछ दिनों से, माहौल बहुत तनावपूर्ण था। आईटीआई ग्राउंड में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर कुछ युवकों में आपसी मारपीट हुई। उस मारपीट में एक युवक की मौत हो गई थी। पूरे खुर्सीपार में घटनास्थल के मौत के बाद युवाओं को जैसे ही पता चला, उसके बाद पूरे भिलाई शहर दुर्ग में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज। अभी कुछ दिन पहले खुर्सीपार में जो मृत्यु हत्या हुई है मलकीत सिंह, उसको लेकर सिख समाज पंचायत के द्वारा दुर्ग भिलाई बंद का ऐलान किया गया था। अभी हमने कल ही कवरेज कर खुर्सीपार में आए हैं खुर्सीपार से, और माहौल पूरा तनावपूर्ण बना हुआ था। हत्या होने से उनके बाद जैसे ही खुर्सीपार थाना घिरा हुआ, उससे पहले ही चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उनमें से एक जो मुख्य अपराधी था शुभम शर्मा, जिसको लेकर राजनीतिक मुद्दे बनना शुरू हुआ और जो वर्तमान सरकार को घेरने में बीजेपी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। सरकार पर दबाव बनते गया, पुलिस प्रशासन पर भी एक एक दबाव पड़ते गया। इस दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जो शुभम शर्मा नाम का जो व्यक्ति था, उसे गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तार इस प्रकार किया गया था कि जो चार मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जो शुभम शर्मा जो बताए गए थे सबूतों के आधार पर, वह एक राजनीतिक हत्या के कारण उनके नाम को संदिग्ध में शामिल नहीं किया जा रहा था, उन पर हत्या का केस दर्ज नहीं किया जा रहा था। जब मलकीत सिंह की जब हत्या हुई तो वहां पर उनका भाई भी मौजूद था, बताया, ऐसा सूचना हमको जानकारी हुई थी, तो उनको उन्होंने बताया था कि शुभम शर्मा उन्हें वहां पर शामिल था, ऐसा जानकारी हुआ था। तो शुभम शर्मा को प्रशासन के द्वारा या राजनीतिक रूप लेकर उनको बचाया जा रहा था, या लोगों में यह बात एक हवे के रूप में फैल रहा था। उसके बाद से कल ही तीन दिनों से कंटिन्यू रोड जाम अनशन ये चले आ रहा था। कल खुर्सीपार में सिख समाज के द्वारा पूरा रोड जाम किया गया था। पुलिस प्रशासन की टीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की है, जो नानगांव जाने वाली जो रोड थी उसको खाली कराया गया, और जो भिलाई रायपुर जाने वाला जो रोड था उन्होंने सिख समाज के द्वारा पूरा पूरी तरीके से उन्हें बंद कर दिया गया था। उन्होंने कुछ मांगे भी रखी थी। मांगे इस प्रकार था कि उन्होंने 50 लाख रुपये मुआवजा, और जो उनके बच्चे हैं मलकीत सिंह के, उनके बच्चे को स्कूल में पढ़ने की सुविधा, साथ में जो मलकीत सिंह की जो पत्नी थी धन पत्नी, उन्हें सरकारी नौकरी की मांग रखी थी। लेकिन प्रशासन के द्वारा जब ऐलान होते गया, माहौल खराब होते गया, तनावपूर्ण बनते गया, लेकिन उनके बावजूद उन्होंने जब बात नहीं माने, शुभम शर्मा को गिरफ्तार करना होगा, शुभम शर्मा को फांसी देना होगा, पैदल मार्च करते हुए इतने आक्रोश थे कि पूरी सिख समाज की महिलाएं, यहां तक बीजेपी के अन्य पार्टी, बीजेपी पार्टी और इसमें हिंदू मंच के द्वारा युवा संगठन, सभी ने अपने अपने तरीके से कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया उचित कार्रवाई को लेकर। इस प्रकार जो शासन प्रशासन पर दबाव जब बनते गया, तो आज शुभम शर्मा की गिरफ्तारी की गई। शुभम शर्मा की गिरफ्तारी के लिए 30 से 40 CCTV फुटेज देखा गया, सबूतों के आधार पर उसमें पाया गया, उसके बाद शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड में उनको जेल भेजा गया। इससे पहले जो चार मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उनका नाम इस प्रकार था: तरुण निषाद, तजबूर खान, शुभम लहरे, फैजल कुरैशी, और जो आज जो अपराधी पकड़ाया गया वह है शुभम शर्मा। उनके पिता का नाम था देवदीन शर्मा, उनका पता था जोन 1 खुर्सीपार। ऐसे ही सरकार पर दबाव बनना शुरू हुआ कि जो पीड़ित परिवार है उनको 10 लाख रुपए मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, और उनके बच्चे को स्कूल में पढ़ाई की सुविधा पूरा सरकार के द्वारा किया जाएगा। उनके बाद उन्होंने अपना जो चक्का जाम आमरण अनशन, जो उन लोगों की जो मांगे थी, वह अपनी बात में शासन प्रशासन कहने पर शांत हुए। नमस्कार।